अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद, आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के टाइटल से आपको वीडियो के बारे में पता चल गया होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिर्च की पनीरी की मुंतकली का टाइम शुरू है जी, और इसको आप आज 4 तारीख है मार्च की, तो अगर आप इसे 15 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे तो ये बेहतरीन टाइम है। इससे लेट ना करें, जितना लेट करेंगे आपको उतने ही ज़्यादा मसले आएंगे। मिर्च का पौधा काफ़ी नाजुक होता है, तो उसके लिए ज़मीन भी आपको अच्छी चूज़ करनी चाहिए। सबसे अच्छी ज़मीन है तो मेरा है, अगर आपको मेरा ज़मीन मिल जाती है तो वो बहुत बेहतरीन है। मेरा में ज़मीन में ये खासियत है कि वो नमी को काफ़ी देर तक बरकरार रखती है और उसमें नामियाती मादों की भी मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरा ज़मीनों में मिर्च की जो फसल है वो अच्छी नशोनुमा हासिल करती है, क्योंकि मिर्च अपनी निचले हिस्से से जड़ों की तरफ से अपनी खुराक अच्छे तरीके से हासिल करती है। अगर आप मेरा ज़मीन में मिर्च को काश करेंगे तो वो उसके लिए बहुत अच्छी ज़मीन है। दूसरे ज़मीनों वाले भी आप कोशिश करें कि आप अपनी ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर आपकी ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है तो आप उसमें फिर मिर्च को अच्छे तरीके से काश कर दें। दूसरी जो बड़ी बात जो मिर्च के फार्मर्स के लिए है वो ये है कि कोशिश करें कि जब भी आप पानी लगाएं तो आप ऐसे पानी लगाएं कि वो सिर्फ उसकी नमी पौधे की जड़ तक जाए या उसके तने तक पहुँचे। पानी डायरेक्ट उसकी जड़ तक नहीं पहुँचना चाहिए। अगर आप पानी उसकी जड़ तक जाएगा तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां फिर आ सकती हैं, क्योंकि जो मिर्च है, मिर्च के तने में कुछ ऐसी बीमारियां लगती हैं जिसकी वजह से वो सारे के सारे पौधे ही जो है ना वो एकदम ही डेड हो जाते हैं। उसको डैम्पिंग ऑफ भी कहते हैं। वो छोटे फसल को भी लगती है और वो बड़े फसल को भी लग सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि मिर्च के पौधे को बहुत पानी नहीं लगाना, ऐसे पानी नहीं लगाना कि वो उसके तने को टच करे। आपने ऐसे पानी लगाना है कि वो सिर्फ उसको नमी पहुंचे उसकी वजह से। पनीरी की मुंतकली से पहले ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ज़मीन को तैयार करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप उसमें गली सड़ी खादों का इस्तेमाल करें। 10 से 12 टन तक आप गली सड़ी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं फी एकड़ में। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। आप 10-12 टन में आप 20 किलो 30 केजी तक आप यूरिया मिक्स करें और उसको अपने खेत में फैला दें। उसके बाद उसको आपाशी करें। आपाशी करने के बाद जब आपके खेत में वतर आ जाए तो उसके बाद आप 2 से 3 मरतबा उसमें आम हल फेरें और उसके बाद सुहागा फेर दें। इसके बाद आप उस ज़मीन को खुला छोड़ दें और जब आपकी जो उसमें जितनी भी जड़ी बूटियाँ होंगी वो निकल आए तो उनको उसको उसके बाद दोबारा उसके अंदर हल फेर कर उनमें इसमें मिक्स कर लें। इस तरह आपके जो जितनी भी खेत में जितनी भी किस्म की जो जड़ी बूटियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और आपका खेत जो है ना आसानी से जड़ी बूटियों से पाक हो जाएगा। इसका एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जब आप अपनी ज़मीन को इस तरह 2 दफ़ा हल पार कर खुला छोड़ेंगे तो उससे आपकी ज़मीन के अंदर जितने भी किस्म के ज़मीन जो जरासीम होंगे, जितने किस्म के भी ज़मीनी जितने भी जरासीम होंगे, फंगस होंगे, वो ओपन एयर और सनलाइट के डायरेक्ट सूरज की रोशनी की वजह से उनके बहुत सारे जो जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, धूप से ख़त्म हो जाएंगे। ये कुछ बातें थी जिनका आप ख्याल रखें। कोशिश करें कि हमेशा जब भी आप गोबर का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि गोबर हमेशा को 6-7 महीने पुरानी हो। ताज़ा गोबर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसमें बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे जर्म्स होते हैं। आप जितनी गोबर आप पुरानी इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही बेहतर फ़ायदा होगा उससे, और ये आपकी ज़मीन की जो अफादियत है उसको भी बढ़ाएगी। कोशिश करें ऐसी प्रैक्टिसेस रखें हर फसल में। ये सिर्फ मिर्च के लिए नहीं है, बहुत सारे हर फसल के लिए आप ऐसी प्रैक्टिसेस रख सकते हैं तो अपनी ज़मीनों को बेहतर बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को लाजमी देखा करें पूरा, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुँचे।
दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।